महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। एक ओर शिवसेना और बीजेपी में सीटों को लेकर मारामारी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक घोटाले के केस में शरद पवार का नाम क्या जुड़ा, एनसीपी टूटने सी लगी, क्या कुछ घटित हो रहा है इस समय एनसीपी के अंदर और क्या कुछ होंगे इसके परिणाम, जानने के लिए देखिए प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में सियासी खेल शुरू हो गया है। ताजा जिक्र हम करेंगे अजीत पवार के इस्तीफे का। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के दौरान वो भावुक दिखे और कहा कि एमएससी बैंक घोटाले चाचा यानी शरद पवार का बेवजह नाम लिए जाने से दुखी हूँ, मैंने अंतरात्मा की आवाज पर विधायक पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि वह राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं, वह वही करेंगे जो उनके चाचा उनसे कहेंगे। अजीत से जब ये सवाल किया गया कि क्या वह बारामती से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा पवार साहब मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। इस्तीफे के बाद जब एनसीपी में आंतरिक कलह की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी, तो अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जवाब देना ही उचित समझा। अजीत ने कहा कि शरद पवार किसी भी तरह से बैंक और उसके लेन देन से दूर दूर तक नहीं जुड़े हैं, फिर भी पिछले दिनों मामले के संबंध में केवल पवार साहब का ही नाम घूम रहा था। उन्होंने कहा मैं शरद पवार की वजह से उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा था, मैं परेशान था क्योंकि मुझे लगा कि मेरी वजह से उन्हें इस उम्र में बदनामी झेलनी पड़ी, मैंने अपने विवेक से काम लेते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा अगर मेरे इस फैसले से एनसीपी कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। ये तो हुई एनसीपी में चल रही ताजा उथल पुथल की बात, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार के इस फैसले से कार्यकर्ताओं की भावनाएं जरूर आहत हुई हैं, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव के परिणाम में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी।